रीजनल पार्टीज, दीपरा मोथा हो, हमारा एजीपी हो, हम लोगों को टाइम टू टाइम बैठकर डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में जो भी हो रहा है, आप मणिपुर में देख लीजिए या फिर बॉर्डर डिस्प्यूट्स देख लीजिए, या मेरे त्रिपुरा में जो भाषा के लिए, जो सीबीएसई के लिए प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमें अपने लोकल इश्यूज में हमेशा बैठकर एक कम्युनिकेशन रखना चाहिए, बात करना चाहिए। तो ये मीटिंग आज था क्योंकि हम इलेक्शन के टाइम लुरिन आया था हमारे लिए कैंपेन करने के लिए, और यू ऑल नो दैट हम लोग ने फर्स्ट टाइम अपने फर्स्ट इलेक्शन में 13 सीट जीत के हम लोग आए। तो मैं भी इनका धन्यवाद करना चाहता था, आज कॉटन कॉलेज में प्रोग्राम भी था, तो उसके बाद हम लोग मिले हैं और हम लोग ने वेरियस बात में डिस्कशन किया है कि कैसे इंडिजिनस लोगों को नॉर्थ ईस्ट में प्रोटेक्ट किया जाए, और हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, हम जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कमिटमेंट्स दिया था, जैसे कि क्लॉज 6 आसाम में हो, हमारे त्रिपुरा में हमारा लैंड राइट्स, इकोनॉमिक राइट्स, तो उसके बारे भी हम लोग ने बात किया और अच्छे तरीके से बात हुआ, पॉजिटिव बात। 2024 बहुत लंबा टाइम है, उसके पहले और बहुत जगह में इलेक्शन है, मिजोरम में भी इलेक्शन है, छत्तीसगढ़ में है, मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, और जहां रहा मेरा बात, मैंने पहले से बहुत क्लियर रखा है कि मैं अपने इंडिजिनस लोगों के लिए फाइट कर रहा हूं, और जब तक हमारे इंडिजिनस लोगों को हमारा जो डिमांड है ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का, कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन का नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग अपना इंडिपेंडेंट लाइन लेकर रहेंगे। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या फिर ऑपोजिशन पार्टी, कांग्रेस भी हो या सीपीएम हो या बीजेपी हो, अगर वो हमारे लाइन में नहीं आता है, तो हम जीते या ना जीते उनको हरा देंगे। ये मेरा पॉइंट क्लियर है, उनको हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम, और हम आशा करते हैं कि कुछ होगा, अगर नहीं किया तो हम अपना आंदोलन शुरू कर देंगे। वो उनका व्यू है कि नॉर्थ ईस्ट के लोग उनके साथ हैं, लोग उनके साथ हैं। मुझे लगता है कि मेघालय में सिर्फ 2 सीट मिला बीजेपी को, दो मिला। त्रिपुरा में उनका सीट घट गया। मणिपुर में आज कुकी के 7 बीजेपी एमएलए ने कहा है कि वो अलग स्टेट चाहते हैं, वो मणिपुर में नहीं रहना चाहते हैं। तो ऐसा मिजोरम में 1 है शायद उनका एमएलए। तो नॉर्थ ईस्ट बहुत डाइवर्स स्टेट है, अगर आप चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट के लोग अपने साथ रहे, तो आपको उनका बात भी करना पड़ेगा, ना कि दिल्ली का बात हमें करना पड़ेगा, क्योंकि कभी कभी नॉर्थ ईस्ट का आवाज भी दिल्ली पहुंचना चाहिए, ना कि दिल्ली का आवाज ही हमेशा नॉर्थ ईस्ट पहुंचे। ये सिर्फ हेमंत दा के लिए नहीं है, ये कांग्रेस के लिए भी है, ये हर नेशनल पार्टी के लिए है, तृणमूल कांग्रेस के लिए है, आम आदमी पार्टी के लिए है। आप दिल्ली से हमें अपना दिक्कत मत दीजिए, आप नॉर्थ ईस्ट आए हैं तो नॉर्थ ईस्ट के बारे भी सुनिए।